केंद्रों में आपके द्वारा भ्रमण किया जा रहा है, किस तरह के नियम और गाइडलाइन दिया जा रहा है लोगों को? मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और साथ ही अवैध परिवहन और अवैध संग्रहण की जो शिकायतें लगातार मिल रही है हम लोगों को, कोचिया बिचौलिया के द्वारा जो इसका गलत लाभ लेने का प्रयास किया जा रहा है, उसको रोकथाम करने के लिए हम लोग लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। और इसी अनुक्रम में अभी जो धान उपार्जन केंद्र से राइस मिल को परिवहन किया जा रहा है, उन सभी वाहनों में जीपीएस सिस्टम भी लगाया गया है। उस जीपीएस सिस्टम को भी मेरे द्वारा अभी ट्रक का चेक किया गया और पाया गया कि वो ठीक काम कर रहा है। और इसी प्रकार हम लोग अलग अलग विषयों पर, तथ्यों पर लगातार जांच कर रहे हैं ताकि किसानों को कोई दिक्कत ना हो, शासन को कोई क्षति ना हो।